हिमाचल में लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं, इसको लेकर हिमाचल सरकार ने हिमाचल की जनता से सुझाव मांगे हैं, जिस पर सोलन कांग्रेस ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि सरकारें जनता के सुझाव पर नहीं चलती, बल्कि उन्हें खुद निर्णय लेने के लिए सक्षम होना चाहिए। कांग्रेस के अनुसार प्रदेश सरकार कोरोना संकट से निपटने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि प्रदेश सरकार पूरी तरह से बौखला चुकी है और उसे यह समझ नहीं आ रहा है कि हिमाचल को लॉक करना चाहिए या अनलॉक। सरकार किसी भी तरह से लॉक अनलॉक के ठीकरे को अपने सर पर फोड़ना नहीं चाहती है, बस सोशल मीडिया पर सुझाव मांगकर इतिश्री करना चाहती है। जनता से सुझावों की आड़ में सरकार अपना पासा फेंककर विफलता के डर से बचना चाहती है। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस पूर्व प्रवक्ता जगमोहन मल्होत्रा ने कहा कि भाजपा सरकार को जनता ने इसलिए चुना था ताकि मुख्यमंत्री और मंत्री प्रदेश हित में निर्णय ले सके, लेकिन प्रदेश सरकार आज भी हिमाचल में लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं, इसको लेकर जनता से सुझाव मांग रही है, जो करता है कि प्रदेश सरकार निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जब पेट्रोल के दाम बढ़ाने थे या बिजली की दरें बढ़ानी थी, तब तो प्रदेश सरकार ने हिमाचल की जनता से सुझाव नहीं मांगे और दाम तुरंत बढ़ा दिए, लेकिन अब वे विफलता के डर से प्रदेश की जनता से सुझाव मांग रहे हैं, जो तर्कसंगत नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार अनलॉक करने की सोच रही है और प्रदेश सरकार लॉकडाउन करने के सुझाव मांग रही है। ये सुनने में आ रहा है कि हिमाचल सरकार लोगों से पूछ रही है कि लॉकडाउन किया जाए या ना किया जाए। ये बात बड़ी समझ से परे है कि सरकार कर क्या रही है। बड़ी अजीब सी सरकार है जो खुद कंफ्यूज है और जनता को भी कंफ्यूज कर रही है। सरकार फ्यूज है, कंफ्यूज है और लोगों को भी कंफ्यूज कर रही है। भाई लोग क्या बताएंगे, भाई क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। जनता से तब पूछा था कि जब बसों के 25% किराया बढ़ाया था, लोगों से पूछ के सरकार कोई डिसीजन ले रही है। हिमाचल सरकार केंद्रीय सरकार के आदेशों के अनुसार काम करती है, मगर पता नहीं क्या अजीब से कंफ्यूजन में मुख्यमंत्री और उनके साथी फंसे हुए हैं कि वो लोगों से पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन किया जाए ना किया जाए। दिल्ली सरकार अनलॉक 3 करने जा रही है, उसके लिए डिस्कशन हो रही है। सरकार के पास सभी साधन हैं, जिलाधीश हैं, सारे डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, उनसे रिपोर्ट जाती है कहां पर क्या सिचुएशन है, कहां पर क्या हालात हैं, उसके हिसाब से सरकार फैसला करे। लोगों को किस बात के लिए उलझा रहे हैं कि लोग बताएं कि लॉकडाउन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब किसी को क्या पता कि कांगड़ा में क्या हो रहा है, यहाँ से सोलन से क्या बता सकता है, और कांगड़ा वाले को क्या पता है सोलन में क्या हो रहा है, किस गांव में क्या है हालत है, किस पंचायत में क्या हालत है। सरकार तो बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी है और कोरोना उनसे कंट्रोल हो नहीं रहा। सरकार सारी अपनी गलतियां जनता के सिर पर थोपना चाहती है, सारी नाकामियां जनता के सिर पर थोकना चाहती है कि जनता बताए कि लॉकडाउन किया जाए या ना किया जाए। जनता क्या बताएगी, जनता तो बेचारी वैसे ही परेशान है, काम धंधे हैं नहीं, बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, स्कूल बंद हैं, मंदिर बंद हैं, सारी सामाजिक गतिविधियां बंद हैं, धार्मिक गतिविधियां बंद हैं। सरकार आज भी कुछ नहीं सोच पा रही भी क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। जिस क्षेत्र की जैसी हालत है सरकार उसी प्रकार से डिसीजन ले, केंद्र सरकार की गाइडलाइंस को माने और अपनी गाइडलाइन जिला में दें और जिला जो अधीश हैं वो जनता को वो गाइडलाइंस दें और उनका सख्ती से पालन करवाएं। सरकार बिल्कुल कंफ्यूज है। सरकार को चुना इसलिए गया था कि जनता की हितैषी सरकार हो, जनता के हक के फैसले लें, मगर सरकार तो ये बिल्कुल हाथ खड़े करके बैठी है कि जनता बताए कि क्या किया जाए। जनता से पूछ के हो रहा है, पहले कभी किराए बढ़ा दिया जाते हैं, कभी पेट्रोल डीजल बढ़ जाता है उस पर वैट बढ़ाती है हिमाचल सरकार, तब नहीं जनता को पूछती कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। सरकार बिल्कुल कंफ्यूज है और सरकार जो है बिल्कुल फेल हो चुकी है कोरोना को रोकने के लिए, और अब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और जनता की अदालत में आ गए कि जनता बताए लॉकडाउन करें या ना करें।